नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल थंब प्रोड्यूस पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आज की डेट में हर कार ओनर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और वो प्रोडक्ट है डैशबोर्ड कैमरा। तो हम आपको बताएंगे कि डैशबोर्ड कैमरा आपकी कार में लगा होना ही चाहिए, और आपको लगता है कि ये फालतू का खर्चा है, तो चलिए पहले ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, ये बंदा अपनी लेन में प्रॉपरली गाड़ी चला रहा है और सामने से दो मोटरसाइकिल आती है जो कि रॉन्ग साइड चल रहे हैं और बिल्कुल आके गाड़ी में ठोक देते हैं। बंदे ने एटलीस्ट हेलमेट पहना हुआ था कि उसका सिर विर बच गया, लेकिन ये लेडी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी इस मोमेंट पे, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और ये अगर गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पीड में होती तो वो डेफिनेटली उस लेडी का सर शीशे से टकरा जाता। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बंदा उतर के अपनी गाड़ी चेक कर रहा है कि भाई कितना डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हुआ है। तो डैमेज तो जो मर्जी हुआ हो, लेकिन इस एक्सीडेंट के लिए अगर इसके पास प्रूफ नहीं होता तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इस बंदे को इस एक्सीडेंट के लिए धर लिया जाता और पूरा का पूरा ब्लेम इसी बंदे के ऊपर डाल दिया जाता। तो वीडियो आपने देखी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से डैशबोर्ड कैमरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि देखिए, आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपके पास में वीडियो फुटेज एज अ एविडेंस आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो वहाँ पे बहुत ईजिली ये फुटेज आपको किसी भी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा डैशबोर्ड कैमरा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे रोड पे कोई भी आपको अनडिसिप्लिन ड्राइवर दिखता है जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, या जिसकी वजह से आपको गाड़ी में चलाते वक्त खतरा हो सकता था, तो आप फुटेज को लेकर ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। आजकल हर स्टेट की पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनके ट्विटर पर हैंडल होते हैं, आप उनको टैग करके ईजिली उनका चलान करवा सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा ढंग से चलाने का सबक मिल सकता है। तीसरी बात आते हैं पार्किंग एक्सीडेंट्स। काफ़ी सारे कैमराज ऐसे आते हैं जो पार्किंग असिस्ट के साथ में आते हैं, और जब आप पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो उस टाइम पर सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कोई भी गाड़ी या कुछ कोई पर्सन अगर आसपास से गुजरता है तो वो कैमरा चालू होकर उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में आप थेफ्ट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और पार्किंग के टाइम पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी रिकॉर्ड हो सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। चौथे बात पे आते हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम के फ्रॉड हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं आजकल। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, अगर इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो चाइनीज़ इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड आपको बहुत फनी वीडियोस देखने को मिलती है। ऐसा इंडिया में भी होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लोग ज़बरदस्ती के एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करते हैं आपसे। तो उस केस में भी अगर आपने डैशबोर्ड कैमरा लगा रखा है तो वो आपके लिए एक एविडेंस के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। पांचवी बात पे आते हैं, आप अपनी रोड ट्रिप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप अपनी पूरी रोड ट्रिप को कैमराज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्वियसली कैमरा की स्पेसिफिकेशन देखनी होगी कि आपका कैमरा रेगुलरली रोल कर रहा है या वो टाइम लैप्स में रोल कर रहा है, वो मेमोरी कार्ड कितना सपोर्ट करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके बेस पर आप अपनी पूरी रोड ट्रिप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और छठा आपको मतलब आश्चर्य होगा कि कैमरा क्या कुछ कैप्चर कर सकता है, क्योंकि रोड पे क्या होने वाला है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आप अगर ऑनलाइन वीडियोस को देखते हैं जहाँ पे कार एक्सीडेंट या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो वो पूरी तरह से एक तरह से होता है कि वो डैशबोर्ड कैमरा ने ही कैप्चर किया होता है अगर वो रोड पे हो रहा है तो उस टाइप की आपको काफ़ी सारी फुटेज मिल सकती है अगर आपका कैमरा लगा हुआ है और कैमरा ऑन है। तो ये पाँच छः पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे। मैं पर्सनली जो है वो प्रोकस का आयरिस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, कुछ एक लिमिटेशंस हैं इसकी। तो ये वाला कैमरा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक और दूसरा कैमरा है जो मैं अभी परचेज करने वाला हूँ, जो मेरे फ्रेंड भी यूज़ कर रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक है। उसका लिंक ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अमेज़ॉन पर जाकर या फ्लिपकार्ट पर जो भी आप साइट प्रेफर करते हैं या मार्केट से जाकर आप देखना चाहते हैं, आपको बहुत सारे कैमरा ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके बजट के अंडर भी और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी। तो आप उनको जाके चेक करिए और मेक श्योर कि आप अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड कैमरा ज़रूर लगवाएं, कि आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम थंब प्रोड्यूस। जय हिंद, जय श्री राम।